नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16th of April 2021 के बारे में। 16 अप्रैल 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ आप सभी को करनी है और क्या चीज़ करने से आप सभी को बचना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले आइए बात करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन की। 16th of April 2021 क्या कहती है एनर्जी कैलकुलेशन? पहला नंबर जो हमारे पास आता है दोस्तों, वो आता है नंबर 6+1, नंबर 7। कंबाइंड कैलकुलेशन जब हम करेंगे दोस्तों, तो वो भी नंबर आता है हमारे पास नंबर 7। नंबर 7 यहां पर अगर हम देखें तो 7 जो नंबर होता है वो केतु से डिनोट करता है। जी हाँ, दिन आपका कौन सा है? शुक्रवार का दिन, फ्राइडे, और केतु की कैलकुलेशन यहां पर आती है। ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर देखा जाए दोस्तों, तो जो कैलकुलेशन निकलती है वो ये दिखाती है कि ये दिन जो रहेगा ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिन रहेगा, बट कहीं ना कहीं कुछ डर का माहौल भी आपके मन में रहेगा। जी हाँ, जिस तरह से दिन की कैलकुलेशन आती है ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है। देखिए, केतु भी जो है वो एक इल्यूजन का कारक है। दिन की कैलकुलेशन में भी जिस तरह से बुध, राहु और केतु की जो पोजिशन दिखाई देती है और जिस तरह से प्लैनेटरी पोजिशंस नक्षत्रों के साथ चलती हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि एक डाइवर्जन की जो परिस्थिति रहेगी वो आपके मन में रहेगी। असमंजस जिसको हम बोलते हैं कि असमंजस यहाँ पर बना रहेगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ इसी परिस्थिति में आप दिन को निकालते हुए दिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग दिन जा सकता है या बड़ा अजीब दिन जा सकता है, दोनों ही कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा दिन जाएगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से इंजॉय करेंगे, इस दिन को अच्छे से इंजॉय करेंगे तो इसीलिए आपको भी यही कोशिश करनी है कि दिन को अच्छा बनाना है, दिन को इंटरेस्टिंग बनाना है, ना कि बड़ा अजीब बनाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दिन के अंदर जिस तरह से आपकी फीलिंग्स रहेंगी, उस फीलिंग्स में एडवेंचर भी रहेगा और उस फीलिंग्स में डर भी रहेगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर एडवेंचरस भी मत बनिएगा और बहुत ज़्यादा ओवर डिप्रेस भी मत होइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस दिन में अपने आप को मेंटेन करके रख लिया तो ट्रस्ट मी, दिन आपका शानदार जाएगा, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। बट अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो पूरा दिन आपका स्ट्रेस के साथ भर जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंशन आपको हो जाएगी। तो इसीलिए वो सभी लोग जो बीमार हैं उनको कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मौका मिला है आपको अपने आप को ठीक करने का, एक बहुत बड़ा मौका मिला है आपको अपने आप को क्योर करने का और अपने आप को रिलीफ करने का, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके आने का। तो इसीलिए आपको सभी को इस दिन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपके कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति जो आपके कॉन्टैक्ट में है और अगर वो बीमार है तो उसे आप फ़ोन करिए और बोलिएगा कि ये दिन है जहाँ पर आप अपने आप को क्योर कर सकते हो और आपको ये उपाय करने हैं, उन्हें उपाय ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ उन्हें बोलिएगा जो चांट मैं आपको बताऊँगा अभी वो करने के लिए बोलिएगा। आप देखिएगा कि उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सबकी मदद कर रहा हूं और आप सबकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने कॉन्टैक्ट में जितने लोग परेशान हैं उनकी मदद करें ताकि हम एक हैप्पी फैमिली यहां पर क्रिएट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके कुछ पुण्य भी कमा पाएँ, क्योंकि ये जो दिन रहेगा ये पुण्य कमाने का भी दिन है। जी हाँ, केतु मोक्ष का कारक है, केतु पुण्य का कारक है, केतु आध्यात्म का कारक है, केतु इल्यूजन का कारक है, केतु बीमारियों का कारक है और केतु बहुत सारी चीज़ों का कारक है। बट जितनी चीज़ें अच्छी आप ले पाएँ लेने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, इस दिन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है और हमें यही कोशिश करनी है कि हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी मदद करें और थोड़ा सा पुण्य ज़रूर कमा लें। देश और दुनिया में अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो देश और दुनिया में कुछ अच्छी खबर आते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगी। कुछ फेक केसेस की न्यूज़ भी यहाँ पर बाहर आएगी, वो भी आप देखेंगे। कुछ फेक चीज़ें, फेक न्यूज़, फेक घटनाएं, फेक एलिमेंट्स, जो भी फेक चीज़ें चल रही है वर्ल्ड में, भारत में, कहीं पर भी, वो सारी कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ सकती हैं। ऐसे चांसेस यहाँ पर बनेंगे कल के दिन। साथ ही साथ आप देखिएगा दोस्तों कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ कोई बड़ा हादसा होते हुए दिखाई दे सकता है, कोई भूकंप की घटना होते हुए दिखाई दे सकती है, कोई बड़ी चीज़ होते हुए दिखाई दे सकती है, या कोई बड़ी आग लगना, या कोई बड़ा एक तरह से भूकंप या एक्सीडेंट होना कोई बड़ा, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे सकते हैं।
तो यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत के उत्तर पूर्व में भी हो सकता है और भारत के बाहर भी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से, जैसे कि चाइना की तरफ से कोई न्यूज़ आते हुए ज़रूर दिखाई दे सकती है, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आते हुए ज़रूर दिखाई दे सकती है, ऐसे भी चांसेज यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ पर देते हुए ज़रूर दिखाई देंगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कहा था, बारिश का माहौल बनेगा, बारिश बरसेगी, पानी आएगा, पानी से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, वही हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इसीलिए इस बार भी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होते हुए ज़रूर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है और आप सभी को सचेत भी रहना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता जाएगा, आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे फ़ायदा देखने को मिलेगा और आप सभी अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे, ऐसा ये दिन कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई देता है। राशियों के लिए देखा जाए तो मेष राशि अच्छा दिन है, वैसे 12 ही राशियों के लिए अच्छा दिन है, बट मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि के लिए विशेष इफेक्ट वाला दिन यहां पर देखने को मिलेगा। नंबर्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, इन सभी के लिए कुछ विशेष रिजल्ट्स यहां पर देता हुआ दिन दिखाई देगा। यहां पर अल्फाबेट्स में अगर बात करें दोस्तों तो ई, एन, एल, टी, डब्ल्यू और वाई, इन सभी के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सभी के लिए दिन कुछ न कुछ यहाँ पर ज़रूर लेके आएगा और दिन कुछ न कुछ यहाँ पर सभी को देने की कोशिश ज़रूर करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अचूक उपाय की, कि आपको क्या अचूक उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, कि पीपल के पत्ते का एक छोटा सा उपाय मैंने बताया था, पान के पत्ते का और पीपल के पत्ते का, काफ़ी लोगों ने वो उपाय किया, बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम मिले। जी हाँ, किसी की जॉब लग गई, कोई इंटरव्यू देने के लिए गया था और उसकी जॉब लग गई, किसी को कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया और किसी को कोई अच्छा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला, मतलब अच्छे रिजल्ट सभी को यहाँ पर देखने को मिले थे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उपाय करते हैं और आपको फ़ायदा भी मिलता है और आपको महसूस हुआ कि एक छोटा सा पान का पत्ता या पीपल का पत्ता कितने बड़े काम कर सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के दिन आपको क्या उपाय करना है। उससे पहले आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी आपको अगर उपाय नहीं समझ में आता तो आप मुझसे लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वेरीफाई करूँगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं या क्या आप सही करें। चलिए नोट डाउन करिएगा आपको क्या अचूक उपाय करना है और कैसे अपने आप को इस दिन में बहुत अच्छा बनाना है। पहली चीज़, पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ना अपने लिए बुरा सोचना है ना दूसरे के लिए बुरा सोचना है और ना ही नेगेटिव सोचना है, ना ही डरना है, ना ही परेशान होना है, ना ही भ्रमित होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके रिलैक्स रहने की कोशिश करिएगा, योगा करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, अपने आप को शांत रखिएगा, हो सके तो टीवी बिल्कुल भी मत देखिएगा क्योंकि टीवी देखने से आप ज़्यादा भ्रमित होते हैं, इसीलिए हो सके तो एक दिन टीवी बिल्कुल अवॉइड कर दिएगा, बट इधर उधर की न्यूज़ मत सुनिए और पूरी तरह से रिलैक्स रहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ सुबह सुबह नहाने के बाद आपको क्या करना है, दही का टीका अपने माथे पर करना है। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको बट बिल्कुल सही है, आपको क्या लेना है, दही अपने हाथ पर लेना है और टीका करना है। अब टीका कौन सी उंगली से करना है, तो आपको बीच वाली मिडिल फिंगर से दही का टीका अपने माथे पर करना है। कहाँ से करना है, मिडिल फिंगर पर। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस पूरी मिडिल फिंगर पर भी आपको दही का लेप लगाना है। जी हाँ, लेप लगाइए, कम से कम 10 से 15 मिनट उसको रखे रहने दें और आप चाहें तो दही का पानी लगा दीजिएगा और उसको सूखने दीजिएगा, ये आपको करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, मीठे दही का सेवन करना है। दिन में 2 बार अगर हो पाए तो 2 बार, 3 बार अगर हो पाए तो 3 बार मीठा दही आपको खाना है। दही में चीनी मिला के आपको दही खाना है, ये काम आपको करना है। बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा उपाय है बट बहुत कारगर उपाय है और करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ क्या करनी है, आपको अगर गाय या कुत्ते को अगर आप रोटी खिला पाएँ तो रोटी उसके ऊपर घी और चीनी रख के आप गाय या कुत्ते को खिलाइएगा।
जो भी व्यक्ति गाय या कुत्ते को खिला पाते हैं वो क्या करिएगा, मल्टी कलर्स लीजिएगा। गाय के दो कलर या दो से ज़्यादा कलर हो, कुत्ते के दो कलर या दो से ज़्यादा कलर हो, और ऐसा कुत्ता अगर आपको मिल जाए, गाय मिल जाए, तो आप सबसे ज़्यादा लकी होने वाले हैं आज के दिन और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होने वाली हैं। तो ये आपको करना है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, जो व्यक्ति गाय या कुत्ते को नहीं खिला पाते हैं वो क्या करें, बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। आटा लीजिएगा, उसे सेकिएगा, आटे को हल्का सा ब्राउनिश करिएगा, ब्राउन होने दीजिएगा, और उसमें चीनी मिलाइएगा और पेड़ पौधों के आसपास रख दीजिएगा, या घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर कहीं पर भी जाके उसे बिछा दीजिएगा, चींटियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, उनके खाने के लिए रख दीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी महत्वपूर्ण काम से आप बाहर भी जाते हैं, ब्राउन कलर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ब्राउन कलर की कोई चीज़ है तो साथ में लेके जाइए, कपड़े हैं तो पहन के जाइए, या कुछ भी ब्राउन कलर ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ब्राउन शूज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी ब्राउन हो, की चेन भी चलेगा, एनीथिंग, छोटी से छोटी चीज़ भी हो तो भी ब्राउन कलर का लेके जाइएगा, अच्छा रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये उपाय आप करेंगे और इससे आपका जो बीमारी है वो ख़त्म होगा, जो डर है वो ख़त्म होगा, और आप पूरे दिन अपने आप को हेल्दी फील करेंगे, पूरे दिन अपने आप को एक अच्छी एनर्जी के साथ आप फील करते हुए देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।